Hello guys, this is Mansi from avidhyanti.in. Now we're starting with question number 8 of exercise 14.5. So in this question we have draw a circle of radius 4 cm. So आपको 4 cm का एक circle draw करना है. Draw any two of its chords. अब आपको उसकी दो chords draw करनी है. Construct the perpendicular bisectors of these chords. अब इन chords के आपको perpendicular bisectors construct करने हैं. Where do they मीट? अब उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि वो दोनों जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं. सो रफली अगर हम देखें तो हमें पहले एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना है. देन इसकी कोई भी दो कॉर्ड्स बनानी है लाइक दिस. ये दोनों कॉर्ड्स है, अब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे इसका हो गया, देन इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. देन आपको फाइंड करना है कि ये दोनों कहाँ मीट करें. ये एक रफ फिगर है. सो अब ये कहाँ मीट करते हैं ये हम कंस्ट्रक्शन से पता लगा सकते हैं. सो लेट्स डू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दी क्वेश्चन, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, बिकॉज हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है. सो कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे लाइक दिस, एंड देन हमें एक सर्कल बनाना है. सो किसी भी पॉइंट पे आप रख के एक सर्कल बनाओगे, मीन्स अपनी कंपास को 360 डिग्री हम टर्न कर देंगे लाइक दिस. ओके, सो ये हमारा सर्कल बन गया है. नाउ इसमें जो हमारा सेंटर पॉइंट है दिस वन, इसको हम मार्क कर लेते हैं. नाउ आपको बनानी है दो कॉर्ड्स. सो आप दो कॉर्ड्स कहीं भी बना सकते हो. लेट्स सपोज एक कॉर्ड ये हो गई एंड दिस इज द सेकेंड कॉर्ड. सो इसको नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ए बी एंड पी क्यू. अब ए बी और पी क्यू के हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं. सो नाउ अगेन सबसे पहले ए बी का बनाते हैं. सो ए पॉइंट से हम एक आर्क डालेंगे लाइक दिस, देन बी पॉइंट से उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस. इस आग को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं एंड देन सिमिलरली जैसे हमने ऊपर आग डाली है, नीचे की साइड हमें एक और आग डालनी है लाइक दिस, एंड देन बी पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस. ओके, अब दोनों के आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, हमें इसे जॉइन करना है. सो इसको हमने ज्वाइन कर दिया एंड वी कैन सी कि ये सेंटर से पास हो गई. ओके, ये हमने क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमें पता है कि सर्कल की कॉर्ड को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो वो सेंटर से पास होगी. जैसे अब आपने ए बी का बाइसेक्टर बनाया है, सिमिलरली हमें पी क्यू का बाइसेक्टर बनाना है. सो अगेन क्यू पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमने एक आग डाली एंड देन पी पॉइंट से उस आग को इंटरसेक्ट करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे. देन सिमिलरली इस साइड एक आग डालेंगे एंड देन पी पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट करेंगे. सिंस ये आग बहुत दूर दूर है तो हमें यहां से एक और बार आग डालनी पड़ेगी. या तो आप इसी को एक्सटेंड कर सकते हो या फिर इसके ऊपर आग डाल सकते हो. ओके, सो अगेन एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे है एंड एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस. एंड इसको हमने कर दिया जॉइन. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जब आप ये इनकी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर लोगे तो आपको देखने है कि उनके बाइसेक्टर्स कहाँ जाके मीट हो रहे हैं. सो पी क्यू का बाइसेक्टर है ये वाला एंड ए बी का बाइसेक्टर है ये वाला. वी कैन सी दोनों बाइसेक्टर्स मीट हो रहे हैं यहाँ पे. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मीन्स दोनों कॉर्ड के जो बाइसेक्टर्स है वो सेंटर पे जाके मीट हो रहे हैं. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 14.5. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 14.5. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स O. अब आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मीन्स दिस पॉइंट, और ये है O, राइट. नाउ टेक अ पॉइंट A ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड B ऑन अनदर. अब आपको क्या करना है,
इन दोनों आर्म्स पे ए और बी पॉइंट लेना है सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब इस तरह से लेना है जैसे ओ ए, यहाँ पे अगर आप ए पॉइंट ले रहे हो सो जितना इसकी लेंथ है उतना ही ओ बी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओ से इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी पॉइंट लेने हैं हमें। ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अब आपको ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन से कैसे बनाना है हमें पता है। आगे लेट देम मीट एट पी, और ये जहां मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है पी, ठीक है। इज पी ए इक्वल टू पी बी, अब हमें चेक करना है कि पी ए और पी बी इक्वल है या नहीं, ओके। सो इसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि वो इक्वल है या नहीं। सो लेट्स कम टू दी कंस्ट्रक्शन। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। सो सबसे पहले हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका वर्टेक्स ओ होगा। सो डायरेक्ट अपने रूलर की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो वी ड्रॉ लाइन लाइक दिस, एंड कोई भी एंगल होगा अगर वो एक्यूट एंगल है तो वो इस तरह से होगा, राइट। सो ये कर लिया हमने, अब इसका वर्टेक्स ये है, इसको हमने नेम दे दिया ओ, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी जो आर्म्स है उसपे ए और बी पॉइंट लेना है इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब कि जैसे मान लो हम ए पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, सो ओ से लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर पे हमने ए पॉइंट लिया लाइक दिस। सो 4 सेंटीमीटर पे ही हम ओ से बी पॉइंट लेंगे यहां पे। सो इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है एंड इसका डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अब हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। सो विद द हेल्प ऑफ आर कंपास पहले ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सो यहां से हम एक आर्क डालेंगे लाइक दिस, सिमिलरली ओ पॉइंट से एक और आर्क डालेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। नाउ अब आंख हमें नीचे की साइड डालनी है, सो ए से वील ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, एंड देन बी से सॉरी ओ से हम आर्क बनाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। सिंस यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हमें अपनी जो ए से हमने आर्क बनाई है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट इज हियर एंड ऊपर वाले का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे है, तो हम यहां से इसको जॉइन कर देंगे। सो वील टेक दिस पॉइंट एंड अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने कर दिया जॉइन, ओके। ऐसे ही जैसे हमने ओ ए का बाइसेक्टर बनाया, अब हमें ओ बी का बाइसेक्टर बनाना है। सो बी पॉइंट से एक आर्क डालते हैं लाइक दिस, एंड देन ओ पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट कराएंगे इस तरह से, सिमिलरली बी से डाउनवर्ड्स इस तरह से बनाएंगे, देन ओ से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। यहां पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। सो नाउ दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लाइक दिस। अब ये दोनों मीट हो रहे हैं यहां पे, जहां पे इन दोनों के बाइसेक्टर मीट होंगे उस पॉइंट को हमें नेम देना है पॉइंट पी, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग क्या पी ए और पी बी इक्वल है। सो पी पॉइंट यहां है, पी से ए का डिस्टेंस ये है, पी से बी का डिस्टेंस ये है। सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप चाहो तो डिवाइडर की हेल्प से भी कर सकते हो, बट आप रूलर से भी कर सकते हो। सो वील ज्वाइन पी ए, पी और ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, सिमिलरली पी एंड बी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। अब दोनों का डिस्टेंस देखते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इट इज 2.3, ओके। सो पी ए है 2.3 एंड अगर हम पी बी देखें सो पी बी इज अगेन 2.3 पे आ रहा है। सो दिस मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू पी बी,
ओके सो जो लास्ट में आपसे पूछा है इज पी ए इक्वल्स टू पी बी सो द आंसर इज यस पी ए इज इक्वल्स टू पी बी ओके सो दिस वॉज द 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.5 दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल बाय बाय फॉर नाउ